नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। जौनपुर के सुरेरी थाना क्षेत्र के मलेथू हीरापट्टी गांव के पास बुधवार को वरुड़ा नदी के गांधी घाट पर दोस्तों संग स्नान करने आया युवक डूब गया। उसे बचाने के प्रयास में खुद भी डूबने लगे दो साथियों को सुरक्षित बचा लिया गया। डूबा युवक तेज धार में लापता हो गया। दो घंटे से ज़्यादा समय तक जाल डालकर तलाश करने के बाद भी गोताखोर पता लगाने में नाकाम रहे। हादसे से बकरीद की खुशियां मातम में बदल गई। रामपुर थाना क्षेत्र के धनुहा गांव निवासी 22 वर्षीय सलमान पुत्र नईम उर्फ झगड़ू अपने दोस्तों रवि, सैफ, साहिल, कैश व यूसुफ के साथ दोपहर में बकरीद की खुशियां मनाने घर से 15 किलोमीटर दूर मलेथू हीरापट्टी गांव के पास गांधी घाट पर आया था। वह दोस्तों के साथ वरुड़ा नदी में नहाने लगा। नहाते हुए गहरे पानी में चले जाने से सलमान डूबने लगा। बचाने का प्रयास कर रहे रवि व सैफ भी डूबने लगे। अन्य दोस्तों के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने किसी तरह से रवि व सैफ को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन सलमान तेज धारा में बहकर ओझल हो गया। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने हादसे की सूचना सुरेरी पुलिस चौकी प्रभारी वरुणेंद्र राय को दी। आरोप है कि घंटों बाद भी चौकी प्रभारी नहीं पहुंचे। उच्चाधिकारियों से शिकायत करने पर सहयोगियों के साथ आए भी तो तमाशबीन बने रहे। इससे ग्रामीणों व परिजनों में गुस्सा देखा गया। मौके पर आए थानाध्यक्ष संतोष कुमार पाठक ने गोताखोरों को बुलाया। नदी में जाल डालकर गोताखोर दो घंटे से भी ज़्यादा समय तक तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।